नमस्कार, नीता नेता आचार्य गोदावरी देवी रामचंद्र प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर पुरानी बाजार नटियागंज। आज का मेरा टॉपिक है साउंड। आज हम चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर का मेन पॉइंट स्टडी करेंगे कि साउंड क्या है, साउंड में क्या क्या चीजें आते हैं। आप भी भैया बहन डिफरेंट टाइप्स के साउंड को सुनते हो, जैसे मैं बोल रही हूँ ये भी साउंड है, आप भी बोलते हैं, क्लास में इतने जोर से हल्ला करते हैं, फिर आपकी कक्षाएं चलती रहती हैं तो उसमें कुछ टाइम्स के बाद पीरियड्स चेंज होता है तो घंटी लगती है, ये सब क्या है, साउंड है। मोबाइल्स पे कई तरीके के ट्रैफिक चलता रहता है, आप क्लास में इतने जोर से हल्ला करते हैं, ये सब क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स के साउंड है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस टॉपिक्स में क्या मेन पॉइंट है। फर्स्ट है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये कहने का मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट में जब वाइब्रेशन होता है तभी साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस्ड साउंड। कहने का मतलब जो मैं बोल रही हूँ ह्यूमन्स के, मेरी आवाज कहाँ से आ रही है, मेरे गले में, थ्रोट में वोकल कॉर्ड है जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं या उसे वॉइस वॉक्स भी कहते हैं, वहाँ पे उस वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है तब साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैवल में मीडियम। कहने का मतलब है कि किसी साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, और साउंड किस मीडियम में ट्रैवल करता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। कहने का मतलब है साउंड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड में ही ट्रैवल हो सकता है। इट कैन नॉट ट्रैवल इन ए वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स होता है एम्प्टी प्लेस। कहने का मतलब वैक्यूम में वहाँ पे एयर नहीं है, वाटर नहीं है, गैस नहीं है, ट्रेवल का कोई मीडियम नहीं है, एम्प्टी प्लेस है, वहाँ पे साउंड नहीं ट्रेवल हो सकता है। साउंड जब भी ट्रेवल होगा गैस, लिक्विड है, सॉलिड। फिर नेक्स्ट है, द ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशंस ऑफ साउंड। इट सेंड्स द सिग्नल्स टू द ब्रेन। This process is called hearing. This is an important point. यहाँ पे ear drum जो होता है वो हमारे ear में present है और वो क्या करता है, vibration को sense करता है। कहने का मतलब जो vibration होता है हमारा ear drum जो होता है उसको समझता है, वो sense करता है, उसके बाद वो ear drum ब्रेन को हमारे सिग्नल्स भेजता है और तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं हियरिंग। कहने का मतलब है ईयर ड्रम इज प्रेजेंट इन द ईयर, और ईयर ड्रम जो होता है वो किसी वाइब्रेशन को सेंड करता है हमारे ब्रेन को, तब हमें कोई साउंड सुनाई देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन और वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब है कि पर सेकेंड में कोई ऑक्सीडेशन या वाइब्रेशन होता है पर सेकेंड, तो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है, द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। यानी कि कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है, लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड। कहने का मतलब है अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड लार्जर होगा तो साउंड क्या होगा, साउंड भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट है, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हायर इज द पिच एंड श्रीलर इज द साउंड। कहने का मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा, हाई होगा, तो पिच भी क्या होगा, हाई होगा, और हमारा
सुरीला, पतली आवाज। पतली आवाज कब होगी? हाईर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी हाई होगा और पिच हाई होगा तो साउंड क्या होगा? श्रील, यानी कि पतली आवाज होती है। नेक्स्ट है अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस। कहने का मतलब है जो हमारे कानों को आवाज पसंद नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? नॉइस। नेक्स्ट है एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स, साउंड्स लीड टू नॉइस पॉल्यूशन। कहने का मतलब है जो हमारे कानों को पसंद नहीं है और जो आवाज ऊंची होती है और बहुत देर तक चलती है जिसे हम शोर भी कहते हैं वो अनवांटेड साउंड नॉइस पॉल्यूशन को लीड करता है। और नॉइस पॉल्यूशन में कोज हेल्थ प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब जब नॉइस पॉल्यूशन होगा तो हमारे ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, इससे कई तरीके के डिजीज हो जाते हैं जैसे हाई बीपी हो जाता है, हमें नींद नहीं आती है, फिर उसके बाद हमें इरिटेशन होने लगता है किसी किसी बातों पे। इस तरीके से कई तरीके के हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से अनदर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप होमवर्क लिखिए, राइट एंड रिमेंबर मेन पॉइंट चैप्टर 13। आप अपने फेयर की कॉपी में ये मेन पॉइंट को लिखेंगे और इसको याद करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।